मार्च में एक दो कारोबारी दिनों को छोड़ दें तो बाजार हरे निशान पर ही बंद हुआ है। पिछले 7 कारोबारी दिनों में तो ये लगातार मजबूत हुआ है। आज भी दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के सहारे शेयर बाजार में तेजी का रुख रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 268 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 70 अंक की मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स की शुरुआत आज मजबूती के साथ 38,219 अंक से हुई। कारोबार के दौरान ये 38,396 अंक के दिन के उच्च और 38,078 अंक के दिन के निचले स्तर से होता हुआ कल के मुकाबले 268 अंक की तेजी के साथ 38,363 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 में से 23 कंपनियों के शेयर के दामों में तेजी आई, जबकि 7 में गिरावट रही। बीएसई के 20 समूहों में 5 समूहों के सूचकांक गिरावट और 15 तेजी के साथ बंद हुए। इंडस्ट्रियल्स में 0.20 और ऑटो में 0.61% की गिरावट रही, जबकि दूरसंचार समूह के सूचकांक में 1.75 और ऊर्जा में 1.53% की तेजी रही। निफ्टी भी तेजी के साथ 11,500 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान 11,544 अंक के दिन के उच्च और 11,451 अंक के निचले स्तर तक पहुंचा। बाद में ये कल के मुकाबले 70 अंकों की तेजी के साथ 11,532 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 35 कंपनियां हरे निशान में और 15 लाल निशान में रहीं। विदेशी बाजारों में भी मिला जुला रुख रहा। ब्रिटेन का FTSE 0.38 और जर्मनी का डैक्स 0.93% की तेजी पर रहा। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगशेंग 0.19% की बढ़त में और जापान का निक्की 0.08, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.19 तथा चीन का शंघाई कंपोजिट 0.18% की गिरावट के साथ बंद हुआ। डीबी लाइव की रिपोर्ट।